दोस्तों आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया है। मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी भाई पंकज मोदी के आवास पर पहुंचे, जहां उनकी मां हीराबेन का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। हीराबेन को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के चलते बुधवार को सुबह यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के जारी किए गए बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री की मां हीराबेन मोदी ने आज सुबह 30 दिसंबर 3:30 बजे अपनी आखिरी सांस ली। सूत्रों के मुताबिक उन्हें सांस लेने में परेशानी और ब्लड प्रेशर की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गौरतलब है कि पीएम मोदी की मां हीराबेन गांधीनगर शहर के पास रायसन गांव में प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी। प्रधानमंत्री नियमित रूप से रायसन जाते रहते थे और अपनी अधिकतर गुजरात यात्राओं के दौरान अपनी मां के साथ समय बिताया करते थे। मां के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, एक निष्काम योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। पीएम मोदी ने आज के अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। वह दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे और मां को अंतिम प्रणाम किया। इसके बाद मां की अर्थी को कंधा दिया और परिवार के साथ ही एम्बुलेंस में बैठकर गांधीनगर स्थित सेक्टर 30 के शमशान घाट पहुंचे और अपनी मां को अंतिम विदाई दी। देश और दुनिया भर के दिग्गज नेता, अभिनेता और राजनेताओं ने पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी।